तो गाइस कुछ इस टाइप से ये डिवाइस आएगा, गूगल टीवी यहाँ पे मेंशन है और ये अपने पास होममेड टिक्स ब्रांड की तरफ से आता है। और जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये ब्रांड अपना अच्छा खासा पॉपुलर है ग्लोबल मार्केट में। और आखिर में इसके जो की स्पेसिफिकेशन है वो अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब ये तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ना कि इसके अंदर मिल क्या क्या रहा है। तो इसको अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या चीजें मिल रही है। तो सबसे पहले एक यूजर मैनुअल कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, खैर इसका भी कुछ काम नहीं है। और भाई साहब जरा देखो तो सही यार, क्या ही लुक है इसकी। ये डोंगल ना भाई अच्छा खासा प्रीमियम है और अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। ऊपर की तरफ अपने को HDMI का पोर्ट मिल जाएगा और ये केबल अच्छी खासी ड्यूरेबल है अपनी। लेफ्ट साइड में आई थिंक ये रिसेट का बटन होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूं। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये बटन क्या काम करता है तो कमेंट करके बता देना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिसेट का बटन होना चाहिए। नीचे की तरफ एक पावर का पोर्ट है और उसके अलावा लैंड पोर्ट भी इसके अंदर दे रखा है। अब मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि ये ऐसा पहला डोंगल मैंने देखा है जिसके अंदर लैंड पोर्ट भी अपने को दे रखा है। और इसके अलावा राइट साइड में ओहो भाई साहब इसके अंदर तो अपने को टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है। और ये टाइप सी का जो पोर्ट है ना भाई ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि टाइप सी का आखिर काम क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि टाइप सी के थ्रू अपन इसके अंदर पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने पास ओटीजी केबल है तो अपन पेन ड्राइव को डायरेक्टली इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई इस टाइप के डोंगल के लिए। तो डोंगल को रखते हैं अपन साइड में और देख लेते हैं कि बॉक्स में से क्या क्या मिलता है। तो चमचमाता अपना व्हाइट कलर का एक प्रीमियम सा रिमोट अपने को मिलेगा। और गाइस इस रिमोट को देख के कुछ याद आ रहा है आपको, ये रिमोट सेम टू सेम मीकुल बॉक्स के रिमोट जैसा है, लेकिन लुक और फील के मामले में ना ये थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है भाई। एंड इसके अलावा अपने को 1 मीटर की यहाँ पे पावर केबल मिल जाएगी और आखिरी में अपने को एक एडॉप्टर भी इसके अंदर मिलेगा और एडॉप्टर भी अच्छी क्वालिटी का है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप इसको अपनी LED के USB पोर्ट से डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन भाई होने के नाते मैं किसी को ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको चार्जर से यूज करना, क्या है उस मामले में सेफ रहता ना भाई, खराब होता नहीं है, तो ध्यान रखना इस बात को। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ कि इस डोंगल को देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? भाई ये ना बहुत ज्यादा सिमिलर है गूगल के क्रोम कास्ट के साथ, लेकिन फीचर के मामले में और कनेक्टिविटी के मामले में ये उससे 2 गुना आगे। अब देखो ये डिजाइन और लुक के मामले में तो बढ़िया है, लेकिन इसमें अपन क्या क्या काम कर सकते हैं, ये किन लोगों के लिए बना हुआ है और ये कैसे काम करता है ये समझना भी तो जरूरी है। तो एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पास यहाँ पे पुरानी टीवी है तो इसको यूज करने के बाद वो LED आपकी प्रॉपर स्मार्ट LED के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और गाइस इसी के साथ इस डोंगल के अंदर अपने को 2GB की रैम मिलती है 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो कि भाई एक तरफा बात है, क्योंकि अगर आप इस प्राइस रेंज में दूसरे डिवाइस को कंपेयर करोगे ना तो किसी के अंदर अपने को 8GB मिलती है, किसी के अंदर अपने को हाईएस्ट 16GB मिलती है, लेकिन पहली बार इस डोंगल के अंदर ही अपने को 32GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है जिस प्राइस के अंदर ये आता है। इसी के अलावा एक चीज ने मुझे हैरान कर दिया कि इस डोंगल के अंदर अपने को 835 का प्रोसेसर भी मिलता है। और जिन लोगों को नहीं बताना उन्हें मैं बता दूं, 835 एक एफिशिएंट प्रोसेसर है जो कि परफॉर्मेंस अपने को ऑलमोस्ट A53 जैसे देता है, ये दोनों प्रोसेसर कोल्टेस के ऑब्वियसली। और इसी के साथ अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो इसके अंदर अपने को डॉल्बी एटमोस मिलता है। और डॉल्बी एटमोस देने का दूसरा रीजन ये भी है कि ये 4K डोंगल है जो कि HDR को सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई भी मूवी शो या TV चैनल देखते हो तो कलर की एक्यूरेसी और कॉन्ट्रास्ट इतना गजब का निकल के आता है ना इसमें से, जो कि आपके एक्सपीरियंस को भाई नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ 5 मिल जाएगा और डबल बैंड Wi-Fi भी इसके अंदर दे रखा है। और अगेंस्ट इसके अंदर अपने को CC का फीचर भी मिल जाता है अगर आपके पास ब्रांडेड LED है या नॉन ब्रांडेड LED है, दोनों के अंदर इसका CC का फीचर काम करेगा, जो पहली बार मुझे इसी डोंगल के अंदर मिला अगर मैं सच बताऊं तो। अब गाइस मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसके अंदर अपने को 2GB की रैम मिल रही है और इसी वजह से इसके अंदर अपन सारी OTT एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जितने भी आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Disney+, Hotstar, G5, Sony Live, Jio Cinema, ये सारी OTT एप्लीकेशन होती है ना Apple TV+ के साथ, वो सारी एप्लीकेशन इसके अंदर अपन आराम से यूज कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस टाइप के जो डोंगल और स्टिक होती है उनके अंदर अपने को प्ले स्टोर भी मिलता है, तो आप अपनी मन पसंद एप्लीकेशन को भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास इंटरनेट की कमी है या फिर आप इंटरनेट अपने मोबाइल के अंदर ही खत्म कर देते हो तो आप इसके अंदर मूवी को डायरेक्टली प्ले कर सकते हो पेन ड्राइव के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली अपने को टाइप सी का पोर्ट मिलता है, तो आप मूवी 4K रेजोल्यूशन के आराम से इसके अंदर प्ले कर सकते हो। अगर आप भी मेरे जैसे यहाँ पे गेमिंग के शौकीन हो या फिर गेम खेलने में आपको मजा आता है तो आप Xbox गेमिंग पास के थ्रू हाई लेवल ग्राफिक गेमिंग भी इसके अंदर कर पाओगे, जो कि ऑब्वियसली अपनी क्लाउड गेमिंग होती है। और अगर आप यहाँ पे क्लाउड गेमिंग नहीं करना चाहते या फिर Xbox का आपके पास पास नहीं है तो ऑफलाइन गेमिंग या फिर प्ले स्टोर पे जो अपने को नॉर्मल गेम मिलते हैं रेसिंग के और शूटिंग के, वो गेम भी इसके अंदर आराम से अपन खेल पाएंगे कंट्रोलर के थ्रू, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें होती है। अब यार ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड एंड क्या क्या काम इसके अंदर कर सकते हैं, वो सारी बातें इसलिए यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि इसके अंदर अपने को फ्लैगशिप गूगल टीवी का यूजर इंटरफेस मिलता है
और 2024 के अंदर गूगल टीवी मस्ट है, मतलब ये तो हर डिवाइस में होनी चाहिए। गूगल टीवी का जो यूजर इंटरफेस है ना, थोड़ा सा मॉडर्न है, सिंपलिसिटी इसके अंदर बहुत अपने को मिलती है। आपकी फेवरेट रिकमेंडेशन आपको होम पेज के अंदर ही मिल जाएगी ऊपर की तरफ, और ये सारी AI जनरेटेड बेस होती है। इसके अलावा नीचे वाले ऑप्शन में आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हो जो कि डे टू डे लाइफ में आप ज्यादा यूज करते हो। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो का सबसे मेन पार्ट अपना कंक्लूजिंग, कि आखिर ये डिवाइस किन लोगों के लिए बना हुआ है और इसकी प्राइस क्या है एंड इसको कहां से खरीदना है। तो देखो यार, ये डिवाइस की जो प्राइस है ना वो 6,000 रुपए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्राइस है यार। ये ना एक प्रीमियम डिवाइस है, आप ऐसा मत सोचो कि यार ये तो 2-3 हज़ार में मिल जाना चाहिए। आपको 2-3 हज़ार रुपये में डिवाइस तो मिल जाएंगे इस टाइप के, या फिर टीवी स्टिक मिल जाएगी, लेकिन जो प्रीमियमनेस आपको मिल रही है या फिर जो आपको स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिल रही है ना, वो 6,000 रुपये के हिसाब से 100% वैल्यू फॉर मनी है। ये मेरा ओपिनियन है बाय द वे, तो सीधा सीधा बताऊँ ना, तो खरीदना तो अपने को एक बार है, लेकिन सर्विस अपने को 3-4 साल ये आराम से निकाल के दे देगा, और ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये डिवाइस बाय करना है ना, तो electronicsindia.com पर आराम से आपको ये मिल जाएगा 6,000 रुपये में, और ये वेबसाइट 100% ट्रस्टेड है। आपको वहाँ पर वारंटी भी मिलती है, आफ्टर सेल सर्विस भी इनकी अच्छी है। तो डेफिनेटली अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हैं। अब आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बता देना, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी अपने इस तगड़े से एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में, जो कि इससे भी 2 times बेटर है, लेकिन इसकी वीडियो बाद में आएगी। अगर आप अभी इसको खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.